नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 15 अप्रैल। सुर्खियों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप बिहार के इतिहास, भूगोल या किसी भी तरीके की जानकारी से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल रूबरू बिहार को जरूर सब्सक्राइब करें, जहां पर आपको ज्ञान बिहार की सेगमेंट मिलेगा और इस सेगमेंट में आपको बिहार से जुड़ी तमाम जानकारियां भी मिलेंगी। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चले बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। बिहार में बीएड नामांकन प्रवेश परीक्षा के लिए वेबसाइट हुआ लॉन्च। बिहार में यहां 38 जगहों पर नहीं लगा सकेंगे कहीं भी गाड़ी, बन रहा है स्मार्ट पार्किंग सिस्टम। हाट बाजार और पर्यटन स्थलों तक जाने वाली 1600 सड़कों का जल्द होगा निर्माण। बिहार के सभी प्रखंडों में 18 से 20 अप्रैल तक लगेगा स्वास्थ्य मेला। बिहार में अब खेलों को मिलेगा बढ़ावा। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में बीएड नामांकन प्रवेश परीक्षा के लिए वेबसाइट हुआ लॉन्च। आने वाले समय में बिहार में बीएड नामांकन प्रवेश पत्र आसान होने वाला है, इसको लेकर वेबसाइट लॉन्च हो गया है। 2 वर्षीय सीईटी बीएड और शिक्षा शास्त्री 2022 के लिए आधिकारिक वेबसाइट का उद्घाटन कर लाइव कर दिया गया है, जिसको की बीते दिन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप ने लाइव किया है। वेबसाइट को लाइव करने के साथ ही कुलपति ने कहा कि अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए वेबसाइट को काफी सुलभ बनाया गया है। अभ्यर्थी अपने मोबाइल से भी आवेदन फॉर्म भर सकेंगे। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे नीतू चंद्रा की। बिहार की राजधानी पटना में जन्मी नीतू चंद्रा ने अपने कॉलेज के दिनों से ही पार्ट टाइम मॉडलिंग शुरू कर दिया था। उसके बाद वो कई जानी मानी कंपनियों के विज्ञापन में भी नजर आए। नीतू चंद्रा गरम मसाला, 1-2 का फोर्थ, ट्रैफिक सिग्नल, रण, नो प्रॉब्लम, अपार्टमेंट, ओए, लकी लकी ओए जैसे फिल्मों में अभिनय किया है। नीतू चंद्रा का जन्म 20 जून 1984 को पटना, बिहार में हुआ था। नीतू चंद्रा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई नोटरडम एकेडमी पटना से पूरी की थी। उन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंद्रप्रस्थ कॉलेज से संपन्न की। नीतू चंद्रा साल 1997 में भारत को वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप हांगकांग में देश का नाम ऊंचा भी वो कर चुकी है। बिहार में यहां 38 जगहों पर नहीं लगा सकेंगे कहीं भी गाड़ी, बन रहा है स्मार्ट पार्किंग सिस्टम। बिहार के कई शहरों को स्मार्ट बनाने में बिहार सरकार लगी हुई है, इसमें से एक नाम राजधानी पटना का भी है, जहां पर नए प्रोजेक्ट की योजना तैयार की जा रही है और उसे जमीन पर उतारने का काम भी हो रहा है। इसी के तहत अब बिहार की राजधानी पटना में बढ़ रहे गाड़ियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए पार्किंग की समस्या पर ध्यान दिया जा रहा है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार पटना में पार्किंग की सही व्यवस्था नहीं होने के कारण अधिकांश रूट पर ट्रैफिक जाम की समस्या ना बने, इसके लिए राजधानी में अब 38 जगहों पर स्मार्ट पार्किंग बनाने की तैयारी हो रही है। अभी तक पार्किंग के लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है, लेकिन स्मार्ट पार्किंग हो जाने के बाद पहले की तुलना में पार्किंग टिकट का चार्ज बढ़ने वाला है। जल्द दूर होगी एम्बुलेंस से जुड़ी बड़ी समस्या। हम और आपने कई बार लोगों के मुंह से ये कहते हुए सुना है कि समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से किसी मरीज को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा, जबकि कई बार सही से एम्बुलेंस की बुकिंग ना होने के कारण मरीजों को अस्पताल ले जाने में परेशानी का सामना करने की खबरें भी हमारे सामने आ चुकी है। किसी बीमार व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने में एम्बुलेंस की भूमिका कितनी अहम है और ये हम सभी जानते हैं, लेकिन कई बार कुछ कारणों से लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल पाती और उनकी जान नहीं बच पाती। लेकिन अब एम्बुलेंस से जुड़ी समस्याओं का निदान जल्द ही हो जाएगा, क्योंकि अब बिहार में ऑनलाइन तरीके से एम्बुलेंस की बुकिंग होने वाली है। यहां पर ओला या उबर के कैब की तरह एम्बुलेंस की बुकिंग की जा सकती है। जिस तरह से कैब सर्विस देने वाली ओला और उबर के ऐप के इस्तेमाल करके इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरीके से अब एम्बुलेंस भी बुक किया जाएगा। बिहार में 22 अप्रैल से एमएसपी पर होगी गेहूं की खरीदारी। बिहार में रबी की फसल कटाई की शुरुआत हो गई है, जिसके तहत ही अगर आप कहीं भी गांव से लेकर शहर की गलियों में घूमेंगे तो गेहूं, सरसों और चने की फसलों की कटाई की जा रही होगी। इसी बीच बिहार सरकार ने किसानों से गेहूं खरीद की तैयारियां भी शुरू कर दी है, जिसके बाद ही अब बिहार सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 22 अप्रैल से गेहूं खरीद करेगी। इसके लिए बिहार सरकार ने खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की तरफ से अपनी तैयारी पूरी कर ली है, जिसके तहत ही अब जहां गेहूं खरीद केंद्रों की व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। बिहार के स्कूल कॉलेज में अब पराली प्रबंधन की पढ़ाई करेंगे बच्चे। बिहार के स्कूली छात्रों को अब जल्द ही पराली प्रबंधन से संबंधित पढ़ाई करवाया जाना है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार बीते लंबे समय से पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए ही अब बिहार के स्कूल और कॉलेज में पराली प्रबंधन की पढ़ाई करवाई जानी है। छोटे बच्चों को इसके लिए अब नुकसान के बारे में बताना होगा।
जिससे उन्हें भी कुछ सीखने का मौका मिले। इसको लेकर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में अंतर विभागीय समूह की बैठक में सरकार ने उक्त फैसला लिया है, जिसके बाद यह बच्चों को पढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने की जिम्मेवारी शिक्षा विभाग और राज्य के दोनों कृषि विश्वविद्यालयों को दी गई है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड DSSSB ने निकाली रिक्तियां। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड DSSSB ने सहायक पुरालेखपाल ग्रेड 1, प्रबंधक सिविल, शिफ्ट प्रभारी, प्रबंधक मैकेनिकल, प्रबंधक यातायात, सुरक्षा प्रबंधक, उप प्रबंधक यातायात, पंप चालक, फिटर विद्युत द्वितीय श्रेणी, विद्युत चालक द्वितीय श्रेणी, मोटरमैन, इलेक्ट्रिक मिस्त्री, SBO मैनेजर, IT, फिल्टर सुपरवाइजर, मैनेजर इलेक्ट्रिकल, बैक्टेरियोलॉजिस्ट के कुल मिलाकर 168 पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास अभिलेखागार में डिप्लोमा, सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री, समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर, स्नातक डिग्री, मैट्रिक, ITI, MCA, MTech, BE, BTech, BSc, रसायन विज्ञान, जैव रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जीवाणु विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी और अनुभव के साथ विज्ञान में मास्टर्स डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 9 मई 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.dssb.delhi.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। कई जिलों में हीट वेव तो कई जिलों में बारिश को लेकर जारी हुआ अलर्ट। बिहार का मौसम इन दिनों कई रंग दिखा रहा है। कुछ जिलों के लोगों का हाल गर्मी ने बेहाल कर रखा है तो कुछ लोग बारिश से परेशान हैं। बिहार के मौसम विभाग ने गुरुवार को दक्षिण बिहार के 7 जिलों के लिए अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि बक्सर, रोहतास, गया, नवादा, जमुई, कैमूर, औरंगाबाद में आने वाले दिनों में हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। इन जिलों के लोगों को मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी कर सतर्कता बरतने की अपील की गई है। वहीं 16 अप्रैल को उत्तर बिहार में कई जगहों पर बारिश का पूर्वानुमान है। इन जिलों में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज में बारिश के आसार हैं। आंध्र प्रदेश में हुई घटना पर CM ने जताया शोक, मुआवजे का किया ऐलान। आंध्र प्रदेश में बीते दिन हुए हादसे में 6 मजदूरों की जान चली गई, जिस पर बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने भी दुख जताया है और पीड़ित परिवार के लिए आर्थिक सहयोग की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने इस हादसे पर दुख जताते हुए घायल मजदूरों को जल्द ही स्वस्थ होने की कामना भी की। इस हादसे में बिहार के नालंदा के 4 मजदूरों की जान भी चली गई है, जिसके बाद जान गंवाने वालों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए और घायलों के परिवार को 25-25 हजार की आर्थिक सहायता देने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही CM नीतीश ने नई दिल्ली के स्थानिक आयुक्त को आंध्र प्रदेश सरकार के समन्वय को स्थापित कर घायलों के बेहतर इलाज की व्यवस्था कराने का निर्देश भी जारी किया है। वहीं इस हादसे की जानकारी मिलने के बाद नालंदा में कोहराम मचा हुआ है। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। हाट बाजार और पर्यटन स्थलों तक जाने वाली 1600 सड़कों का जल्द होगा निर्माण। बिहार के सभी हाट बाजार और पर्यटन स्थलों तक जाने वाली 1600 सड़कों का जल्द ही निर्माण होने वाला है, जो मौजूदा सड़कों के अलावा बनने वाली है। इसको लेकर ग्रामीण कार्य विभाग ने इसकी कार्य योजना तैयार कर ली है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार विभाग ने इसको लेकर कुल 1600 सड़कों को चिन्हित कर लिया है। इस योजना के तहत बिहार में 12,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण होगा। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत अतिरिक्त सुलभ संपर्कता योजना के तहत इन सड़कों का निर्माण होगा। इसके तहत प्रखंड या जिलों में दूरदराज पंचायतों, बड़े गांव को आपस में जोड़ते हुए अतिरिक्त सड़कों का निर्माण किया जाएगा। खासकर प्रशासनिक इकाई यानी कि अंचल, प्रखंड और थाना जाने के लिए सड़कों का निर्माण होने वाला है। बिहार में स्थापित होगा डेटा सेंटर। बिहार में जल्द ही डेटा सेंटर खोलने को लेकर तैयारी तेज हो गई है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जीवेश कुमार ने इसकी जानकारी साझा की है। इसको लेकर उन्होंने बताया कि IT सेक्टर का संगठन व्यू नाउ से 817 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव मिला है। इस संगठन को डेटा प्रबंधन और कंप्यूटिंग जरूरतों के व्यापक समाधान में दक्षता हासिल है। इससे डेटा सेंटर स्थापित करने के मिले प्रस्ताव पर निर्णय जल्द लिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि डेटा सेंटर बन जाने से कई तरह की सहूलियत होगी। प्रस्ताव एवं अंतिम योजना के मूल्यांकन के बाद इसे मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा। बिहार के सभी प्रखंडों में 18 से 20 अप्रैल तक लगेगा स्वास्थ्य मेला।
बिहार के सभी प्रखंडों में अब आने वाले 18 से 20 अप्रैल तक स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया जाना है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार मेले में स्वास्थ्य जांच एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति जागरूकता की जानकारी दी जाएगी। इस दौरान गैर संचारी रोगों की जांच के साथ ही दवाओं का वितरण भी किया जाएगा। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के सिविल सर्जन को सभी प्रखंडों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में समारोह पूर्वक स्वास्थ्य मेला आयोजित करने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य जागरूकता पखवाड़ा के तहत कई कार्यक्रम होंगे। समय पर होगी बारिश। गर्मी के कारण उत्पन्न हुए हालात के बीच बारिश को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। देश में इस साल मॉनसून की बारिश सामान्य रहेगी, यहां तक कि मॉनसून भी अपने समय पर आएगा और 1 जून के ठीक बाद केरल में मॉनसून की दस्तक हो जाएगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से बीते दिन साझा की गई जानकारी के अनुसार इस साल देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के सामान्य रहने की संभावना है। IMD के अनुसार बारिश के 1971-2020 की अवधि के 87 सेंटीमीटर दीर्घावधि औसत के 96 से 104% रहने की संभावना है। IMD की माने तो दक्षिण पश्चिम मॉनसून के मौसम के लिए 1971-2020 के आधार पर भारत में 868.6 मिलीमीटर बारिश होने की संभावना जताई गई है। महात्मा गांधी सेतु का सुपर स्ट्रक्चर बनकर हुआ तैयार। उत्तर बिहार को राजधानी पटना से जोड़ने वाला महात्मा गांधी सेतु पुल लाइन के दोनों पुल का परिचालन शुरू होने वाला है। इसके बाद से उत्तर बिहार के लोगों को अब राजधानी आने जाने में किसी तरह की कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको बता दें कि साल 1983 में इस पुल का निर्माण किया गया था। आपको ये भी बता दें कि पुल के बनावट में जब खराबी हो गई थी उसके बाद एक बार फिर से उसको बनाया जा रहा है। महात्मा गांधी सेतु पुल के पश्चिमी लेन का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। अब इसके गांधी सेतु ईस्ट लेन का काम बहुत ही जल्द समाप्त होने वाला है। इस बार गांधी सेतु पर स्टील का नया सुपर स्ट्रक्चर बनाया गया है। पुल के दोनों लेन का काम पूरा होने के बाद से उत्तर बिहार के लोगों को राजधानी पटना से जुड़ने में काफी आसानी हो जाएगी। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि आप अब गांधी सेतु के मात्र 15 से 20 मिनट में आसानी से पार कर सकते हैं। आपको बता दें कि कोरोना काल और बीच में बरसात के समय में पुल के कार्य में देरी हुई थी। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि मई के आखिरी सप्ताह में ये पुल बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। आज बिहार को मिल जाएगा पेप्सी प्लांट। आज बिहार के मुखिया नीतीश कुमार बिहारवासियों को पेप्सी प्लांट की सौगात देने वाले हैं। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार बेगूसराय के बरौनी प्रखंड मुख्यालय के समीप असुरारी में 550 करोड़ की लागत से निर्मित पेप्सी बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन आज यानी कि 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन, वरुण बेवरेज के चेयरमैन रवि जयपुरिया करेंगे। इसको लेकर सारी जानकारी नवनिर्मित पेप्सी बॉटलिंग प्लांट के महाप्रबंधक मनोज द्विवेदी ने दी है। वहीं सीएम नीतीश के आगमन को लेकर तैयारियों का सिलसिला भी तेज देखने को मिला। आगमन को लेकर ही रंगरोगन और हेलीपैड बनाने का काम बीते दिन ही पूरा कर लिया गया था। अब बिहार में ही होगा स्किन संबंधित बीमारियों का इलाज। बीते दिन बिहार को बड़ी उपलब्धि मिली जिसके तहत ही अब बिहार को स्किन संबंधित बीमारी के इलाज का विकल्प मिल गया है। क्योंकि बीते दिन राजधानी पटना में लेजर ओटी और फ्रैक्शनल CO2 लेजर और डायोड लेजर का शुभारंभ किया गया। लेजर ओपी का शुभारंभ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव और एम्स निदेशक डॉक्टर सौरभ वार्ष्णेय द्वारा किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में मौजूद डॉक्टर राखी गुप्ता ने बताया कि अब बिहार के मरीजों को स्किन संबंधित बीमारियों के लिए बाहर की तरफ रुख नहीं करना पड़ेगा। संबंधित सभी बीमारियों का चिकित्सीय उपचार की व्यवस्था हो गई है। भवनों पर लगेंगे ठनका से बचाव के यंत्र। राज्य की सभी पंचायत सरकार भवनों में ठनका से बचाव के लिए यंत्र लगाने वाली है। पंचायती राज विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर दिया है जिस पर जल्द काम शुरू होगा। चूंकि बारिश के दौरान ठनका गिरने से जानमाल का नुकसान होता है, लोगों के बचाव और नुकसान को रोकने के मकसद से ही राज्य सरकार की तरफ से हर कदम पर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पंचायत सरकार भवनों पर भी तड़ित चालक लगाने का निर्णय ले चुकी है। इसको लेकर आपदा प्रबंधन विभाग से भी मदद मांगी गई है। इसके अलावा पंचायत सरकार भवन में हूटर भी लगेंगे। इंद्रब्रज ऐप के माध्यम से ठनका गिरने की सूचना मिलते ही हूटर बजाया जाएगा। इससे लोगों को आगाह किया जाएगा कि वो सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। बिहार में अब खेलों को मिलेगा बढ़ावा। बिहार में अब खेलों को बढ़ावा मिलने वाला है। इसके तहत ही बिहार के खिलाड़ी अब दूसरे राज्य के ट्रेनिंग सेंटर और कोच पर निर्भर नहीं रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में मौजूदा खिलाड़ियों के लिए राज्य में खेल को बढ़ावा देने की रणनीति न सिर्फ तैयार की गई है बल्कि इस पर काम भी शुरू कर दिया गया है। खेल कोटे से नियुक्त चुनिंदा निम्न वर्गीय लिपिकों का कला संस्कृति और युवा विभाग में प्रतिनियुक्ति करने के बाद जिलों में तैनात बिहार प्रशासनिक सेवा के किसी एक अफसर को अहम जिम्मेदारी दी गई है। इन्हें जिलों में खेल के आयोजन और पर्यवेक्षण के लिए नोडल अफसर की जिम्मेदारी दी जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया है। अंबेडकर जयंती पर चिराग ने पारित किए 5 प्रस्ताव।
बीते दिन अंबेडकर जयंती पर चिराग ने 5 प्रस्तावों को पारित कर दिया है, जिसके तहत ही बीते दिन पटना के बापू सभागार में भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर चिराग पासवान ने अपना बयान जारी किया और बताया कि बाबा भीमराव के सिद्धांतों पर हमारे नेता पद्मभूषण रामविलास पासवान काफी पहले से चल रहे थे। वहीं जयंती के मौके पर चिराग ने 5 प्रस्तावों को भी पारित किया। इसमें पद्मभूषण रामविलास पासवान को भारत रत्न देने, बिहार विधानमंडल में सरकार रामविलास पासवान की प्रतिमा लगाए, हाजीपुर जंक्शन का नाम बदलकर रामविलास पासवान के नाम पर हो, उन्होंने घोषणा की आगामी 8 अक्टूबर को खगड़िया में रामविलास पासवान की प्रतिमा की स्थापना होगी। अब हफ्ते में 3 दिन होगा टाटा कटिहार, वहीं रोजाना चलेगी पाटलिपुत्र एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे की तरफ से बिहार और बंगाल के यात्रियों के लिए कई ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का फैसला लिया गया है, जिसके तहत ही अब झारखंड से बिहार को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण ट्रेन हटिया पटना पाटलिपुत्र एक्सप्रेस अब हर दिन चलने वाली है। कोरोना काल में बंद होने के बाद तकरीबन 2 साल के समय के बाद अब हटिया से पटना के बीच चलने वाली पाटलिपुत्र एक्सप्रेस को फिर से चलाने की अनुमति मिली है। रेलवे ने ट्रेन को हरी झंडी देने के साथ ही इसके फेरे में कटौती कर दी है। अब कुछ ट्रेनों का परिचालन रोजाना होगा। बक्सर से भागलपुर तक बनने वाले एक्सप्रेसवे का अब बनेगा फिजिबिलिटी रिपोर्ट। बिहारवासियों को अब जल्द ही नई नई सड़कों की सौगात मिलने वाली है, जिसमें से एक है लखनऊ से लेकर बक्सर तक बनने वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिसका ही विस्तार अब बिहार में भी होने वाला है, क्योंकि बीते दिनों ही बक्सर से लेकर भागलपुर तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के विस्तार को लेकर जो प्रस्ताव बिहार सरकार की तरफ से दिया गया था उस पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अब सहमति दे दी है। इस सहमति के बाद ही अब इस सड़क के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसको लेकर हाल ही में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बिहार की सड़क योजनाओं को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव से मुलाकात की थी। इन दोनों के बीच कई परियोजनाओं को लेकर सहमति बनी है। प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने दिया इस्तीफा, नए चेहरों को मिलेगी बिहार में कांग्रेस की कमान। बीते दिन बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने अपना इस्तीफा दे दिया। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार बिहार में कांग्रेस को लगातार मिल रही हार और चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से मदन मोहन झा ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं कांग्रेस आलाकमान ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया। आपको बता दें वर्तमान समय में मदन मोहन झा दिल्ली में है। हाल ही में उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात भी की थी। वहीं उनके इस्तीफे की पुष्टि पार्टी के कद्दावर नेता और विधान परिषद सदस्य प्रेमचंद मिश्रा ने मदन मोहन झा के इस्तीफे की पुष्टि की है। उन्होंने बताया है कि झा ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया है। सीएम नीतीश पर निशाना साधने वालों को मुख्यमंत्री ने दी दो टूक नसीहत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में हुई चूक के बाद से ही प्रशासन सवालों के घेरे में है, क्योंकि बतौर मुखिया एक मुख्यमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं हुआ और लगातार 2 बार सीएम नीतीश की सुरक्षा में बीते दिनों सेंधमारी देखने को मिली, जिसके बाद अब खुद सीएम नीतीश कुमार ने अपनी सुरक्षा चूक को लेकर अपना बयान दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि ये कोई खास बात नहीं है। हालांकि नीतीश कुमार खुद भले ही कोई मामला इसे ना बता रहे हो, लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर अब कई लोगों ने चिंता भी जताई है, जिसके बाद से उनकी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में रायगढ़ किले में शिवाजी उत्सव का उद्घाटन किया। हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना 1948 में आज ही के दिन हुई। भारत सहित 109 देशों द्वारा 1994 में ग्याट समझौते की स्वीकृति हुई। थम्पी गुरु के नाम से प्रसिद्ध फेडरिक लेंज का 1998 में निधन हुआ। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक का 1469 में आज ही के दिन जन्म हुआ। 1960 में मध्य प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के प्रसिद्ध नेता नरोत्तम मिश्रा का जन्म हुआ। हैजा के जीवाणु पर शोध कार्य करने वाले भारतीय वैज्ञानिक शंभुनाथ डे का 1985 में निधन आज ही के दिन हुआ था। गुजरात ने राजस्थान को 37 रन से हराया। IPL 2022 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच सीजन का 24वां मैच मुंबई में खेला गया, जिसमें गुजरात ने 37 रनों से जीत हासिल की। गुजरात की जीत में कप्तान हार्दिक पांड्या का अहम योगदान रहा, जिन्होंने 87 रनों की तूफानी पारी खेलने के अलावा विकेट भी झटका। गुजरात इस जीत के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है। इस टीम ने अभी तक 5 में से 4 मुकाबले अपने नाम किए हैं, जबकि 5 में से 2 मुकाबले हार चुकी है। राजस्थान को टॉप पायदान गंवाना पड़ा है। वहीं आज खेले जाने वाले मैच की बात करें तो आज सनराइजर हैदराबाद और कोलकाता के बीच में शाम 7:30 बजे मुकाबला होने वाला है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है मंतोष कुमार, रहमान भाई, ललित कुमार, कृष्णा कुमार, विकास बिहारी, पूजा कुमारी, अमर कुमार, रमाकांत कुमार, राहुल कुमार, विजय कुमार, रंजीत मिश्रा, राहुल सिंह। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार विधानसभा के बोचहा सीट पर किस पार्टी के जीतने की सबसे ज्यादा
ज्यादा संभावना है। अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।